मुल्क में एक और जैनब दरिंदगी का निशाना बन गई। पिशावर के जिला चारसदा में 2.5 साल बच्ची को ज्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाकया का नोटिस लेते हुए आईजी केपीके और दीगर हुकाम को मुलविस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मुल्क में एक और जैनब दरिंदगी का निशाना बन गई। चारसदा की 2.5 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में जैनब से ज्यादती की तस्दीक कर दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को 18 घंटे पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तेज धार आले से पेट चाक किया गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। मासूम बच्ची गुज़िश्ता रोज चारसद्दा से अगवा की गई थी। मासूम बच्ची की लाश पेशावर में खेतों से बरामद हुई। कत्ल की वजह जानने के लिए बच्ची का 4 मरतबा पोस्टमार्टम किया गया। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने चारसद्दा में कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी केपी और दीगर हुकाम को मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बड़ा दर्दनाक वाकया है। जमीन पे खेत था, उसके अंदर इनकी डेड बॉडी मिली थी, जो मुझे डीआईजी साहब ने बताया है। बाकी साइंटिफिक हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट्स भी ले जा रहे हैं और बाकी चीजें हमें डीएनए टेस्टिंग भी कराई जा रही है और ये सारी चीजें हो रही हैं।